मेरा नाम है संदीप कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं संदीप गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो अभी बता दूं कि अभी मैं हूँ करमचट में, जो कि यहाँ पर डैम काफ़ी सुंदर है, तो मैंने सोचा कि आपको एक ब्लॉग वीडियो बना के देते हैं और दिखाते हैं। मैं अभी आ गया हूँ फिलहाल करमचट में। यहाँ से गुप्ता धाम जाना हो तो गुप्ता धाम भी आप जा सकते हैं, रास्ता बनाया जा रहा है फिलहाल। देख सकते हैं करमचट बांध पे फिलहाल अभी मैं हूँ और यहाँ से देख सकते हैं रास्ता है, जो कि मैंने उस तरफ से आया। चेनारी से आप आ सकते हैं, बेलाव तरफ से जा सकते हैं, अमाव बेलाव तरफ से आ सकते हैं। आइए आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और बताता हूँ। दुर्गावती जलाशय पर जो भी बोला जाता है, यहाँ से पानी खोला जाता है। सो देख सकते पानी अभी गिर रहा होगा, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो फिलहाल आइए आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं और बताते हैं। अभी मैं इस बाइक से आया हूँ और यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो आइए बैक कैमरे से दिखाते हैं और बताते हैं करमचट डैम के बारे में। यह है करमचट डैम, जो देख सकते हैं वहाँ का चोटी काफ़ी सुंदर लगता है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं पूरी इस ब्लॉग में। देख सकते हैं डैम इसी में से पानी खुलता है फिलहाल। अभी हम चलते हैं ऊपर और आपको बताते हैं। और देख सकते हैं करमचट डैम है फिलहाल, इसमें कार्य चल रहा है, जो कि कार्य प्रगति पे है फिलहाल। देख सकते हैं न्यू गेट बन रहा है और ये सरकारी जो कि काम होता है, यहाँ देख सकते हैं पार्क वाहन जो भी चीज़ें हैं सब दिखाया जाता है। सीढ़ी है जो कि नीचे आप जा सकते हैं यहाँ से। डैम है देख सकते हैं, आगे चलो और ये देख सकते हैं पानी। अभी तो फिलहाल धुंध है, धुंध की वजह से थोड़ा सी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये डैम है दुर्गावती जलाशय परियोजना जो बोला जाता है, यहीं से पानी खोला जाता है। आगे चलो सर, देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं फिलहाल, सेल्फी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं लेते हैं। आप यहाँ पे पार्किंग करने के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाया नहीं गया है, तो यहाँ से आइए आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। देख सकते हैं कार्य जो कि हो रहा है फिलहाल, देख सकते हैं यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है लगता है ऐसा हमें। और चलते हैं आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे, अभी धूल है, धुंध है। ये देख सकते हैं इसमें ताला मारा गया है गेट में, जो कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं यही पिकनिक मनाने, देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक वगैरह। सो अब यहाँ पे आए होंगे तो जानते होंगे हर चीज़ के बारे में। फिलहाल मैं यहाँ पे पहली बार अभी आया हूँ और यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए 1 तारीख को या ऐसे तो फिलहाल पर डे यहाँ पे लोग आते हैं। ये भैया हैं जो कि अमरूद बेच रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। ये देखिए डैम, जो कि पानी यहाँ से खुलता है, देख सकते हैं कितना मोटा मोटा रड है और कितना नीचे गहराई, एकदम गजब लग रहा है। फिलहाल अभी मैं डैम पे ही हूँ और चलूँगा वहाँ उस चोटी तक और आपको दिखाऊँगा। अभी धुंध है फिलहाल, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड है जो कि आप देख सकते, पानी है देख सकते हैं ऊपर में है चीज़। चलिए वहाँ पर आपको हम दिखाते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। मैंने आपको वीडियो में करमचट डैम के बारे में बता रहा हूँ। सो वीडियो कैसा लगा होगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख सकते हैं करमचट डैम है, यहाँ दुर्गावती के लिए पानी खोला जाता है, जो भी नहर के लिए पानी खोला जाता है। यहाँ बड़ा डैम बनाया गया है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो वीडियो कैसा लगा है देख सकते हैं, मैं बाइक पे हूँ और भी करमचट डैम है। तो आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं और वीडियो आए थे करमचट डैम पे, करमचट डैम घूम लिए हैं और हम लोग का बाइक है वो और मेरे फ्रेंड हैं। सो आपको दुर्गावती जलाशय परियोजना करमचट डैम कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय माता दी।